अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, वे हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही, स्वतंत्र भारत में काम पहली बार पहले पहले होना चाहिए था, 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था। और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखे अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, वे हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। विदेशी आक्रांताओं ने केवल इस देश के अंदर धन दौलत ही नहीं लूटा था, इस देश की आस्था को भी रौंदने का काम किया था। दुर्भाग्य है, आजादी के बाद उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित करने के कुत्सित प्रयास हुए अपने वोट बैंक के लिए। अपने वोट बैंक के लिए भारत का हर नागरिक, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एक दिन सुप्रीम कोर्ट की एक अधिवक्ता, संभवतः मैं उसका नाम जान नहीं पा रहा हूं, लेकिन कोई संभवतः कोई सुबई खान है, उन्होंने उनका एक वक्तव्य मैं सुन रहा था, और बहुत अच्छा वक्तव्य बना। उन्होंने कहा, देखिए हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं, हाँ मेरा मजहब इस्लाम हो सकता है, वो मेरी उपासना विधि है, मेरा मजहब है, लेकिन जन्म से हम सनातनी भारतीय हैं। ये बोलने में संकोच क्या, लेकिन यहां तो अपनी पहचान को और भारत की पहचान को ही समाप्त किया जाता है। हम महिमामंडन कर रहे हैं उन्हीं आक्रांताओं का जो भारत की लोक आस्था पर प्रहार करते थे, जन विश्वास को रौंदने का काम करते थे। भारत के महापुरुषों, भारत के वीर सेनानियों, भारत के आराध्य देवों को अपमानित करते थे, जिनके खिलाफ हमारे वीर सेनानी लड़े थे, महापुरुष लड़े थे, आज उन महापुरुषों को सम्मानित करने की बजाय हम उन आक्रांताओं को महिमामंडन करें, यह देश अब स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कतई स्वीकार नहीं होगा। और तब भी दुर्योधन ने कहा था सुच्याग्रम नेव दास्यामी बिना युद्धेन केशव, यानी सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा मैं, एक कृष्ण युद्ध के बगैर नहीं दूंगा। तो महाभारत का युद्ध तो होना ही होना था, क्या हुआ, पूरा कौरव पक्ष से ही स्वाहा हो गया, समाप्त। करना